गुरुदेव, हमारे जीवन कार्य में हमें क्या हासिल करना चाहिए ताकि मानव जन्म सफल हो? भाई, इसको भी मुझे बोलना है। आपको क्या चाहिए ये बताओ ना। आप अपना सपना समझो। एक कहोगे, गुरुदेव मुझे कौन सा सपना देखना चाहिए, मैं क्या बोलूं? तुम्हारा क्या सपना है भाई, मैं ये पूछूंगा। आप एक होटल में जाके एक कहोगे मुझे क्या खाना चाहिए, होटल मालिक क्या बोलेगा? अरे भाई, ये सब है, तुम्हें जो खाना है वो खाओ भाई। यह रोटी भी है, चावल भी है, भात भी है, दही बड़ा भी है, रसमलाई भी है, तुम्हें क्या खाना है ये बताओ। पर एक बात है, जितना तुम मुस्कुराते हो वो तुम्हारी सफलता का चिन्ह है। जितना तुम अपने में दृढ़ हो, अपने में मजबूत हो, जितना तुम औरों के सेवा के काम में लगने में हिचकिचाते नहीं हो, ये सफलता का लक्षण। और किसी भी क्षेत्र में तुम सफल हो सकते हो। जो भी आए थे हमारे खिलाड़ी लोग, वो ये अपने क्षेत्र में, चाहे कुश्ती में, चाहे अपने खेल कूद में, इतना अपना टाइम लगाया, फिर सफलता उन्होंने पाई। ऐसे ही जितने भी कलाकार आए थे यहाँ नृत्य में, कोई पद्मश्री, कोई पद्म विभूषण, कोई पद्म भूषण, कोई तो वायलिन बजा के, किसी ने वीणा बजा के, कोई नृत्य करके, कोई कथक किया, किसी ने भरतनाट्यम किया। इतने सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ के यशस्वी होते हैं, मगर वो यदि जीवन में यशस्वी नहीं है, जीवन में वो सफलता नहीं पाते हैं, तो बाकी सब चीज़ें फिजूल। बड़े बिजनेसमैन बन गए, नंबर वन मान लो, देश का नंबर वन बिजनेस, मगर जीवन में खुशी नहीं है, मुस्कुराते नहीं है, तो ये सफलता किस बात? इसलिए ये जरूर मानव गुण, मानवीयता हमारे में जगना चाहिए। प्रेम, करुणा, दया, मदद करने की इच्छा, ये सब होने से कह सकते हो मैं जीवन में सफल हूँ।